दोस्तों नमस्कार। आज आपको लेवा चलते हैं एक आश्रम में। आश्रम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रमणीय है, जितनी प्रशंसा किया जाए कम है। दोस्तों हम आपको अपने चैनल पंचदीप मौर्य पे बहुत से आश्रम, सामाजिक संगठन, सौंदर्यीकरण, तालाब, पार्क, ज्ञान की बातें जहाँ जहाँ होती हैं ऐसी से स्थलों का हम आपको दिखाते रहते हैं अपने वीडियो में। तो आज इसी कड़ी में हम जो है पहुँचे हैं मछली शहर, जौनपुर ज़िले के मछली शहर के पास एक अरुआवा गांव है। अरुआवा फेमस है, मछली शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। और आपको बता दें कि बहुत अच्छा जगह है, कबीर साहब का आश्रम है। आश्रम का पूरा नाम आपको बता देते हैं, मठ। मठ का मतलब भी आश्रम ही होता है दोस्तों, चाहे मठ कहें चाहे हम आश्रम कहें। मठ सदगुरु कबीर विज्ञान आश्रम अरुआमा, यह पूरा नाम है। अरुआमा आप पहुंच जाते हैं तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। तो आपको आप देख रहे हैं, पीछे पूरा हिस्सा देख रहे हैं, बहुत ही पूर्ण ब्रह्म कबीर के बारे में बताया गया है यहाँ। यह आश्रम जो है वास्तव में बहुत अच्छा है, बहुत शांतिप्रिय जगह है। यहाँ आप जो है आ सकते हैं, अपने आपके पास समय है, समय का उपयोग कर करके आप दिखा सकते हैं। आपको दिखाना चाह रहे हैं, देखिए इस साइड में यह बना हुआ है और तमाम समाधि स्थल भी है। इसमें महात्मा जी बैठे हुए हैं, हमने बातचीत किया है, अभी थोड़ा बातचीत और करेंगे। और दीवारों पे ज्ञान की बातें लिखी गई हैं। और इसमें आपको बता दें कि ऐसे पावन जगह पे बैठ करके आ करके मन जरूर शांत हो जाता है, इसमें दो राय नहीं है। और आपको दिखा रहे, देखिए सब कबीर परमात्मा की बारी लिखी गई है। तो हम आपको दिखाते हैं, पूरा भ्रमण करा के दिखाते हैं दोस्तों। काफ़ी जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब पेड़ तो इतना है कि पूछिए मत। अब कहते हैं कि वृक्ष जो है धरती का गहना है, जहाँ पर वृक्ष न हो आश्रम अक्सर होते हैं। यहाँ इस आश्रम हम देख रहे हैं कि वृक्ष जो है सब लगाए गए हैं, एक से बढ़कर एक वृक्ष हैं। अब आपको जितना पीछे देख रहे हैं, आगे पीछे हर जगह पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ आने योग्य जगह है, आइए और बैठिए। अगर आपके पास समय हो, 10 मिनट का समय, आ सकते हैं, ज़रूर आपके मन को शांति मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, देखिए पूरा पेड़ ही पेड़ है। और हर प्रकार के पेड़ यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख रहे हैं पेड़ ही पेड़ हैं। और जब कबीरदास की बात हो रही है तो हमने दो लाइन सोचा बोल देते हैं कबीरदास के बारे में। हम क्या बोलेंगे, हमारी क्या क्षमता है, सब उनकी बारी है। गीता पुराण वेद सब में बतलाया, गीता पुराण वेद सब में बतलाया, पूर्ण ब्रह्म कबीर जी सब में समाया। वास्तव में कबीर जी सभी में समाहित हैं। और आपको बता दें कि आप पूरा देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा, देखिए यहाँ समाज बना हुआ है। आपको पुनः बता दें, अगर बड़ेरी बाज़ार से आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 किलोमीटर पास आएंगे, आपको मिलेगा। और देखिए हम इस दिशा में चल रहे हैं, जब यह बहुत बड़े पैमाने पर है, ऐसा नहीं है। और आपको पहले चलते हैं, आपको कबीरदास का जो है आपको दर्शन कराते हैं। आप देखिए दिव्य, देखिए क्या प्रतिमा है, अलौकिक, उसमें जो है तेज प्रकाशित हो रहा है। और बैठने की साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और हम तो आए थे भाई, हमारे मन को बहुत शांति मिली। हमें लगा कि एक वीडियो बना देना चाहिए इस विषय पे, कि आप सब कभी आए देखें। और देखिए अब जो है कबीरदास अब बैठे हुए हैं। अब आपको इधर दिखाते हैं, देखिए सब सामने जो है मठ बना हुआ है, बाबा जी वहीं पे हैं। दोस्तों दिखा रहे हैं, देखिए पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ आप आ सकते हैं।
और हम बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको। और देखिए कबीर कबीरदास प्रतिमा जो है बना हुआ है, अच्छा जगह है। और दोस्तों इसके अलावा बहुत कुछ है यहाँ पाएंगे। हमारा दावा है कि आप जो है मन की जो भ्रांतियाँ होंगी काफ़ी हद तक मिट जाएंगी, ज़रूर मिटेंगी। और जो संदेह होगा और जो नए नए प्रश्न आपके पीछे खिस्सा दिखाते हैं, यहाँ देखिए यहाँ भी पेड़ पौधे तमाम हैं। अब कितना बढ़िया लग रहा है भाई, हमारी तो इच्छा नहीं हो रहा आप जाने के लिए कि क्या करें, समय की मजबूरियाँ हैं, जाना पड़ता है इंसान को। देखिए ये धीरे धीरे यहाँ पेड़ पौधे लगेंगे, लग रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा। अब आपको अब चलते हैं दिखाते हुए, अब चलते हैं महात्मा जी के पास और दो चार बात करते हैं और जानकारियाँ लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि पसंद आएगा। पसंद आता है पंचदीप मोरा चैनल पे आप लोग जा करके वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और जो है आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं दोस्तों पीछे, देख रहे हैं कितनी दूर तक देख, जगह ही जगह है। आप देखिए, आपको देख करके ऐसा लग रहा होगा जरूर आना चाहिए। बहुत शानदार तस्वीरें हैं और मनमोहक जो है चित्रण हो रहा है। और आपको दिखा रहे हैं पीछे का दृश्य, देखिए यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यह है जो है पिछला हिस्सा। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ सब कुछ सही है और अच्छा लग रहा है। महात्मा जी एक बैठे हुए हैं, अब उन्हीं से हम चलते हैं, बातचीत करते हैं थोड़ा सा, इसके बाद वीडियो को हम समाप्त कर देंगे। दोस्तों आप लोग को जब आप लोग निकलते हैं तो आपको आना चाहिए। और इसी कड़ी में हम वहाँ से निकल आए, अब आ गए मुख्य द्वार पे। अब जो है महात्मा जी बैठे हुए हैं, हम थोड़ा बातचीत करेंगे उनसे। और गुरु जी बैठे हुए हैं, गुरु जी हम आश्रम में पहली बार आए हैं आज। जी हम आते हैं ऐसे बरेली से जा रहे थे, आपका बोर्ड वहाँ दिखा रहता था, हमारे मन में आता कई साल से यहाँ कोई है आश्रम, लेकिन दूर से हम देख नहीं पाते थे। हम यह सोच के चले जाते थे बहुत दूर शायद होगा अंदर कहीं। आज फिर मन में प्रेरणा आई, हमने कहा चल देखते हैं। आगे एक मंदिर दिख रहा था, हमने सोचा शायद वही होगा। हम वहाँ से आगे आए, पता चला कि यहाँ पर, यहाँ भाई दोस्तों आपने दिखाया पूरा, हमने दिखा दिया आपको कितना है, बहुत कुछ छूटा भी हुआ है, अगले वीडियो आपको दिखाएंगे। तो गुरु जी लगातार यहाँ पे रहते हैं और कोई न कोई रहता ही है। और कबीर दास के बारे में, कबीर कौन है? गुरु जी का मानना है कि पहले आप स्वयं को जानिए, नाना प्रकार के धर्मों में मत उलझिए, ईश्वर एक है, सत्य है, धर्म भी एक ही है। कहने के लिए हजारों धर्म दुनिया में होंगे मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमको अपने आप को जानना पड़ेगा। तो गुरु जी से हम पहले हम बात कर लेते हैं, इसके बाद गुरु जी सबसे पहले आप बतावें ये शुभ स्थान कहाँ पर, कौन सी जगह, बाजी हमें जानकारी हम बता दीजिए। यहाँ बस ये हम अरुआवा बड़ेरी के बॉर्डर पर हैं। अच्छा, अरुआवा अरुआवा के पूर्वी छोर पर हैं जी, और बड़ेरी के पश्चिमी छोर पर हमारा ये आश्रम है, अभी सरहद पर है। गुरु जी आश्रम लगभग कितना साल पुराना भाई, कब से बा ये जमींदार उन्मूलन के पूर्व से है। अच्छा, जमींदार उन्मूलन बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ समझ लीजिए 52-55 की बात है क्या। हाँ देश आजाद हुआ तो उसके बाद। हाँ बात हाँ है। तो अरे मियाँ वो जो थे वो दान में दिए हैं महात्माओं को, हमारे संतोष दास साहब को। अच्छा, ये दान की दिया गया संपत्ति है। अच्छा क्या नाम बताए उनका जो दिए थे दान? संतोष दास को दिए थे। अच्छा, संतोष दास साहब बताइए कैसे कैसे लोग हैं दान देते हैं समाज के लिए, अच्छे कामों के लिए। अब के इंसान देखिए कोई अपने भाई को 1 इंची 2 इंची छोड़ता नहीं, इसकी लड़ाई हो जाती है। कैसे कैसे लोग धरती पर हैं, जरूर महान लोग रहे होंगे, क्योंकि इसके लिए एक जिगर चाहिए, दिल चाहिए। तो आप हमारे चैनल पंचदीप मौर्या पे इस आश्रम के बारे में या अपने गुरु के बारे में कम शब्दों में कुछ बात बता दें, जिससे लोगों का कुछ मार्गदर्शन मिल सके।
हमारे यहाँ न्यायुक्त बात होती है, जी अन्याय नहीं हो, अन्याय को हटाया जाता है। जो नाना मत, नाना पंथ, नाना धर्म, नाना संप्रदाय, नाना संस्थाएं दुनिया में प्रचलित हैं जी और उसी भाव में सब बह रहे हैं, सही बात है। अब हमारे यहाँ जो है नेचुरल बात बताई जाती है, जैसे ये शरीर नाम रूप है, नाम रूप के अंदर स्वरूप है, यानी स्वयं शरीर का संचालक परिचालक ड्राइवर है। हमको पहले इसको जान लेना है, अपने स्वरूप में उदय हो जाना है, तो इसके बाद ही हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। रहस्यवाद उसे कहते हैं, आत्मा परमात्मा का जहाँ संबंध एकाकार हो जाता है, शब्दाकार हो जाता है, उसे रहस्यवाद कहते हैं। ये सद्गुरु कबीर साहब का दर्शन है, बस। आज सब वीडियो पे बने रहिए, पंचदीप मौर्य चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। पूरा आपको एक बार बैठे बैठे आपको दिखाते हैं, पीछे देख सकते हैं कितना दूर तक है, आप देख सकते हैं यहाँ पूरा तस्वीर, बैठे बैठे आप देखिए कितनी दूर तक है। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा, देख कर लग रहा होगा यहाँ पे तेज पुंज है, वास्तव में जगह ही बता देता है। कुछ लोग कहते हैं जमीन बोलती, वास्तव में बोलती जमीन, जहाँ के जैसा तत्व होता है जमीन होती है। अब यहाँ पे देखिए, आपको आते ही हमें लगता है कोई व्यक्त अगर आ गया, दूर से देख लिया यहाँ पहुँचा, उसकी पूरी थकान समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल पंचदीप मौर्य बने रहिए, अगले वीडियो में अगली बात करेंगे, फिर आएंगे तो कुछ और बातें करेंगे। अब इस बार जब आएंगे काफ़ी प्रश्न बना कर आएंगे दोस्तों, उन प्रश्नों का उत्तर अपने गुरु जी से लेना चाहेंगे, वह उस प्रश्न उत्तर पे हो सकता है बहुत से लोगों की समस्याओं का समाधान हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ